जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पिछले 3 लेक्चर में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस क्या होती हैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। रिडॉक्स भी आप लोगों को, रिडॉक्स तक आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सब आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और किसी भी एक गिवन इक्वेशन के अंदर कैसे इन चीजों को फाइंड करते हैं, बोलो यार, है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। देखो, एजेंट समझो, पहले एजेंट क्या होता है। एजेंट मतलब कोई भी चीज करवाने वाला। यहां पे कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब वो एजेंट, वो बंदा जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी डेफिनेशन इतनी ईजी है, देखो, द सब्सटेंस Which brings about oxidation is known as oxidizing agent. जो बंदा oxidation करवाता है उसे बोलते हैं oxidizing agent. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने definition बोल दी, the substance which brings about oxidation are known as oxidizing agent. For example, ठीक है, जैसे आपका ये CuO हुआ, ठीक है, आपका ये alkaline, ये मैं behavior बोल रहा हूँ इसका, alkaline नाम ये है इसका, alkaline KMnO4 हुआ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हुआ, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो आप लोगों को धीरे धीरे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको इनके एग्जांपल डिस्कस नहीं करने, इनको एक क्वेश्चन के अंदर कैसे फाइंड करना है यहाँ पर हमको वो समझना है, बोलो यार, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम तरीके से होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सिंपल कार्बन, कार्बन एक बहुत बड़े रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, जो बंदे ऑक्सीडेशन करवा दें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बंदे रिडक्शन करवा दें वो रिड्यूसिंग एजेंट, समझ आ गया, ठीक है। अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन लेता हूँ और उससे हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाऊंगा, बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा असाइनमेंट, ठीक है, बोलो वो आगे बताने वाला। कपड़ा का भाई बैठा लो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की भी सेम डेफिनेशन ऐसी होगी कि द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मैं एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नाना एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो देखो, पी बी ओ प्लस सी गिव्स पी बी प्लस सी ओ टू, सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है। अब ये काम बना दो, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसने आपको क्वेश्चन दिया, उसने आपको इक्वेशन दी, स्टेट उसने बोला फाइंड, 2 या 3 मतलब क्वेश्चन आएगा ये, फाइंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको 4 चीजें निकालनी है, मैं बता देता हूं क्या आपको निकालना है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, एक एक मतलब समझाऊंगा चीज का, फिर आपको निकालना है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, फिर आपको निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर आपको निकालना है लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, दिख रहा है। ये 4 चीज आपको निकालनी है। यार एक बात बताओ, ये 4 चीज ठीक है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये तो मैंने आपको पहले ही निकालना सिखाया हुआ है। एक बार देखो, सब कुछ छोड़ दो, इसके पास O था, हाँ है, पर क्या इसके पास अब O बचा है, नहीं। तो इसने ऑक्सीजन का लॉस किया, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया। जिनको ये नहीं पता वो जाके इससे पिछले वाली वीडियो देखो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, मैंने तो समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन क्या किया, लॉस किया, तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि इस बंदे का क्या हुआ, रिडक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस्ड हुआ, ये अबे रिड्यूस तो ये हुआ ना, किसमें रिड्यूस्ड हुआ, इसमें। तो इन साइड में हमेशा जो 4 चीज लिखी हुई है, इनमें जो भी आंसर आएंगे वो हमेशा रिएक्टेंट्स के होंगे, कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे भाई साहब। चाहे रिडक्शन हुआ किसका, इन्हीं में से किसी का हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, इन्हीं में से किसी का हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्हीं में से कोई, रिड्यूसिंग एजेंट इन्हीं में से कोई, आंसर कभी भी प्रोडक्ट से नहीं होगा, इन 4 का आंसर हमेशा रिएक्टेंट से होगा, सही बात है, क्योंकि दुर्घटना इनके साथ घटी है, इनके साथ नहीं घटी, वो तो बन गए हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब सब्सटेंस रिड्यूस देखो, तो पीबीओ था, इसका ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन, तो इसे बोलते हैं सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो हो जाएगा पीबीओ सब्सटेंस रिड्यूस। इसके पास ओ थी नहीं, लेकिन इसके पास ओ आ गई ना, तो इसका क्या हुआ बोलो यार, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बोलो यार, इसे हम क्या बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ये है नहीं ये है, ये रिएक्टेंट है ना, इसके पास आई ऑक्सीजन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है कार्बन सी, सही बात है कि नहीं बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या अगर यहां पर ये नहीं होता पीबीओ तो क्या इसको ऑक्सीजन मिलती, नहीं इसको तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, तो यानी कि भले ही इसका खुद रिडक्शन हुआ पर इसने सामने वाले का क्या कराया ऑक्सीडेशन, तो इसने ऑक्सीडेशन करवाया है, इसीलिए ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन करवाया है उसे हम क्या बोल रहे हैं बोलो यार, इसने तो करवाया, इसी का तो ओ गया इसके पास, इसीलिए ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीबीओ, समझ आ गया ना, ऑक्सीडेशन हुआ इसका पर कराया किसने इसने, अगर यहां पर ये नहीं होता तो कभी भी नहीं होता, ठीक है। सेम तरीके से इस बंदे का क्या हुआ रिडक्शन, इसका ओ छीन लिया, किसने छीना इसका ओ इसने, इसका मतलब रिडक्शन किसने कराया इसने, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है कार्बन। अब आपको समझ आया, ओ था निकल गया रिडक्शन हुआ तो ये बन गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ओ नहीं था ओ आ गया तो ये बन गया ऑक्सीडेशन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसका जो ओ था मतलब इसके पास ओ किस, इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया इसने, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन किसने कराया इसने, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आपको ये चारों फाइंड आउट करने हैं, सही बात है कि नहीं बात है, बोलो समझ आ रहा है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको और सही समझ आ जाएगा, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना एकदम बढ़िया हो जाएगा। हमेशा रखना यहाँ पर जो भी आंसर होंगे वो सब किसके होंगे रिएक्टेंट साइड के होंगे। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, मैं स्टेट कलर वलर कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये मैंने लोग बताया था ये एक डिस्प्लेसमेंट एक्शन एग्जाम्पल है, छोड़ो वो सब चीजें भी। एक बात बताओ, इसके पास ओ है नहीं लेकिन आ गया ना, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इस तरह से पक्का बना के लिखना है। इसके पास ओ था छीन लिया किसी ने इसका ओ, इसका क्या हुआ बोलो यार रिडक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है जिंक, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड बोलो यार, इसके पास ओ था इसका ओ छीन लिया, इसका मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन, सब्सटेंस रिड्यूस क्या हुआ CuSO4, हमेशा आंसर रिएक्टेंट के ही होंगे देखो, ठीक है। उसके बाद आप बताओ इस बंदे का ऑक्सीडेशन हुआ, इसके लिए ऑक्सीजन कौन लेके आया, यही तो लेके आया, अगर ये नहीं होता तो कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इसकी प्रेजेंट पे हुआ, तो ये क्या बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuSO4, ठीक है। इसका क्या हुआ रिडक्शन, कौन लेके भागा इसका हो ये, तो इसका रिडक्शन किसने कराया इसने, इस बंद ये बंदा रिडक्शन करवाया है खुद, तो इसने अपना ऑक्सीडेशन करवा दिया खुद, तो बोले अपना ऑक्सीजन कर दूंगा लेकिन सामने लगा करा दिया रिडक्शन, तो ये क्या लेके आया रिडक्शन लेके आया और खुद का ऑक्सीजन करा के बैठ गया, तो इसने इसका क्या करा दिया रिडक्शन, इसने इसका क्या करा दिया ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, सही बात है नहीं बात है, क्योंकि अगर ये जिंक नहीं होता तो कभी भी इस बंदे का रिडक्शन होता ही नहीं, कोई इसका ओ लेके भागता ही नहीं, इसका ओ ये लेके भाग गया, इसका इसने क्या करा दिया रिडक्शन, तो वो क्या बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो यार सही बात है कि नहीं बात है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जानो अब धीरे धीरे स्पीड आएगी काम करने के तरीके में, देखो सेम वैसे क्वेश्चन है, छोड़ दो डिस्प्लेसमेंट है कलर है छोड़ दो, इसके पास ओ था नहीं था आ गया तो क्या हुआ इसका, स्पीड चलेंगे अभी, क्या हुआ इसका बोलो यार ऑक्सीडेशन, इसके पास ओ था लेकिन लुट गया तो क्या हुआ इसका रिडक्शन, ठीक है। इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है Fe, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इसका हुआ रिडक्शन, तो क्या बन गया CuSO4, इसका हुआ ऑक्सीडेशन किसने कराया इसने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ CuSO4, इसका हुआ रिडक्शन किसने कराया इसने, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, बस
धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। पर ये तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऑक्सीजन था, तो आपने ऑक्सीजन से आराम से आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि हाइड्रोजन केस में चीजें क्या होती हैं, उल्टा होती है, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल हाइड्रोजन लेके दिखाते हैं। मान लो ये रिएक्शन है, मान लो क्या है, H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस सल्फर। स्टेट स्टेट सब छोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, तो आपको ऑक्सीजन का दामन छोड़ना पड़ेगा और किसे पकड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। चलो हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। हाइड्रोजन केस में उल्टा होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का क्या हुआ है बोलो, अगर हाइड्रोजन का किसी ने गेन किया है, अगर किसी ने हाइड्रोजन का क्या किया है, गेन किया है, तो वो रिडक्शन है, और अगर किसी ने हाइड्रोजन का लॉस किया है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताओ, इस Cl के पास, इस Cl के पास हाइड्रोजन थी नहीं, लेकिन इसने हाइड्रोजन गेन कर ली, क्या कर ली, गेन कर ली। देखो गेन कर ली, तो इसका मतलब जिस बंदे ने हाइड्रोजन गेन करी उसका क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन के फंडे अलग थे, हाइड्रोजन के फंडे अलग थे, हाइड्रोजन का गेन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। सही बात है कि नहीं बात है? तो जिस बंदे ने हाइड्रोजन लॉस करी, इसने लॉस करना हाइड्रोजन, देखो इसके पास हाइड्रोजन थी, इसकी हाइड्रोजन टूट गई, तो इसकी हाइड्रोजन इसने लॉस करी, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सही बात है कि नहीं बात है? तो इसको बैठा दो पिछले क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से देखो, समझो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका हाइड्रोजन चले गया, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, H2S। इसके बाद हाइड्रोजन आगे से क्या हुआ, रिडक्शन। तो आंसर क्या आया, Cl2। हमेशा आंसर रिएक्टेंट के ही होंगे, प्रोडक्ट का भी यही होगा, ठीक है। अब समझो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने इसको एच पकड़ा दिया, इसको एच किसने पकड़ाया, इसने पकड़ाया, इसका मतलब इसका रिडक्शन किसने करवाया, इसने कराया, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट H2S। इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसने करवाया, इसने करवाया, तो वो क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग समझ पा रहे हो कैसे निकालना है, समझ पा रहे हो, बोलो यार, मैंने आपको एच वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको असाइनमेंट में ऐसे ही काफी सारे इक्वेशन दूंगा, और उन इक्वेशन के अंदर आपको यही कार्रवाई करनी है जो मैंने आपको सेम करवाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आज आपको एक और छोटा सा पढ़ा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हमने एक टाइप डिस्कस किए हैं, जरा हम लोग उनको पढ़ लेते हैं। देखिए देखो, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप, देखो आपको पता है डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, बोलो यार, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। तो हम किसी भी रिएक्शन को तीन टाइप से तोड़ सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम उसको हीट देते हैं, क्या देते हैं, बोलो भाई, हीट देते हैं, या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दें, किससे तोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दें, या फिर हम उसको किससे तोड़ दें, लाइट से तोड़ दें, किससे तोड़ दें, लाइट से, सनलाइट से, सब एक ही फॉर्म है, ठीक है। देखो समझो पहले, तो डिकम्पोज मतलब तोड़ना, तोड़ने को केमिकल साइंस के अंदर एक वर्ड होता है स्पेशल, उससे जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं लिसिस, क्या बोलते हैं उसको, लिसिस, ठीक है, लिसिस बोल सकते हैं, डिकम्पोजन बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो जिन जिन रिएक्शंस को हम हीट से तोड़ते हैं उनको बोलते हैं थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे हमने तोड़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि उनको हमने किसके तोड़ा, हीट की हेल्प से तोड़ा, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी, ये होती है ना, इनको बोलते हैं, जैसे मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया डब्बा, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इनका एक और वर्ड भी है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वही जिसमें तोड़ना, और इसमें हीट की हेल्प से तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। आपको समझना है हीट का एक नाम पायरो भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट की हेल्प से, ठीक है। लाइट को देखो, लाइट को ना एक और मतलब, लाइट को फोटो भी बोलते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब
तो ये हमारी पहली रिएक्शन है, समझने की कोशिश करो, जो ये हमारी पहली रिएक्शन है इसमें हम हीट के हेल्थ तोड़ेंगे, इसमें हम अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्थ तोड़ेंगे और इसमें अपन लोग फोटो यानी कि लाइट के हेल्थ तोड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन कैसे देनी है, द डिकम्पोजन रिएक्शन, ठीक है, ऐसे लिखना, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन बोला यार, द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन, द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एनी फॉर्म ऑफ लाइट, सनलाइट, यूवी, कुछ भी, ठीक है, इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, इसका एक ना सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आप सबको पता है CaCO3 होता है ये, ठीक है, थोड़ा सा लिख लूँ CaCO3, ठीक है, अब मैं इनके तीन एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं इनके तीन एग्जाम्पल जरा सही से लेता हूँ, आपको ये तीन समझ आ गए अभी, बोलो यार आपको ये तीन समझ आ गए? अब हम पहले सबसे पहले पहला वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं CaCO3, मैं पहले इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको मैंने हीट करी, क्या करा मैंने इसको, हीट किया, आप सभी को पता है इसमें कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं CaO+CO2, ये होता है गैस फॉर्म में, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ये भी होता है सॉलिड फॉर्म में, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, क्विक लाइम, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है, तो देखो इसमें हमने डिकम्पोजन किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसीलिए अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजन रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल पहले ये लिखना ऐसे इसकी डेफिनेशन, फिर से लिखना, फिर लिखना, फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म क्विक लाइम अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, एवोल्यूशन को इस तरह से दिखाते हैं, एवोल्यूशन, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका एक एग्जाम्पल समझ आ गया हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है वो आपको नोट से मिल जाएंगे, ठीक है, आप लोग लेते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका तो बड़ा ही अपन के पास एक बहुत ही मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी लिख दो या इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ लोग हमारे बैटरी के साथ में आ जाते हैं, अपनी अपनी इच्छा है, H2+O2, ठीक है, बन गया गैस, ये कैसा है लिक्विड, अब देखो इस सेक्शन में क्लियर दिख रहा है आपको कि जो H2O है उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो H2 और O2 भी है, इसका पूरा का पूरा सेटअप आप लोगों के कोर्स में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एनोड पे जो गैस निकल रही है, एनोड पे जो गैस निकल रही है वो डबल क्यों है और वो कौन सी गैस है, ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको समझ आएगा, मैं आपको बैलेंसिंग में सिखाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में, आज आपको समझ आ रहा है, बोल यार समझ आ रहा है, ठीक है, तो इससे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन दे देंगे, इसकी डिफरेंस समझाया, फिर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन वाटर इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इस तरह से लिखना बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, कुछ एक दो बच्चों सुनने मिल रहा था कि हमारे यहाँ मस्ती होती है, अरे भाई पढ़ाई के लिए मस्ती जरूरी है, ठीक है, वो फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन गया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी, अब कौन पढ़ता है ऐसे, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम गया, अब जब तक आप कनेक्ट नहीं हो गए आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, पकड़ना पड़ता है, एक एक को समझना पड़ता है, एक एक बंदे को पकड़ के कौन किस कैरेक्टर का आदमी है, डंडे वाला है, प्यार वाला है, कैसे वाला, फोटो डिकम्पोजन रिएक्शन, बिल्कुल फोटो डिकम्पोजन रिएक्शन, फोटो मतलब लाइट के हेल्प से, देखो इसका भी मैंने आप लोगों को फोटो केमिकल रिएक्शन करवाई थी AgCl, ठीक है, इसमें अपन लोग क्या मार देंगे, सनलाइट, ये लाइट है, आप लिख दो चाहे इसमें आपकी इच्छा है वो Ag+Cl2, सॉलिड सॉलिड और गैस, ठीक है, बस ये पहले इसके डिफरेंस देंगे, द रिएक्शन और ये द सब्सटेंस इन विच डिकम्पोजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटो डिकम्पोजन रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, टूटे फूटे इंग्लिश में बोल देंगे मेरी तरह, समझ आया नहीं समझ आया, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मैंने जो ऑक्सीडेशन निकालना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज निकालना, सब्सटेंस रिड्यूस निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, जो बंदे ऑक्सीजन कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ईजी था, ठीक है, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजन रिएक्शन पढ़ाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का पढ़ाया पूरा का पूरा समझ आया होगा, ठीक है, अब जो अगली वीडियो होगी उसमें आप लोगों को लेके आऊंगा मैं कोरोजन क्या होता है, टेंसिलिटी क्या होती है, उनके प्रिवेंशन क्या होते हैं, बोलो यार, ठीक है, और कोरोजन कब हार्मफुल होता है, कब बेनिफिशियल होता है, ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।